इंशाल्लाह वहाँ जड़ी दवाई आधा बैठा ये जी ये इस पर थ्रिप्स सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा अटैक है शदीद। ये एक महीने से ऊपर की क्रॉप है लेकिन ये डैमेज बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है ये थ्रिप्स का ये देखें, ये जो सफ़ेद धारियां नज़र आ रही हैं थ्रिप्स की वजह से हैं और ये सफ़ेद मक्खी तो आपके सामने नज़र आ रही होगी, ये मेरे उंगलियों के साथ ही सफ़ेद मक्खी। और सफ़ेद मक्खी के असरात अगर दिखाऊं तो ये देखें, ये पत्ते के ऊपर ये जो ये लहर बनी हुई है, ये जिस तरह घी पड़ा हो या ऑयल पड़ा हुआ हो तो ये सफ़ेद मक्खी की वजह से आता है। और जो सब्ज़ तेला है जिसे जैसेड कहते हैं ये डैमेज करता है जैसे डंडियों को और पत्ते उल्टे शुरू होना शुरू हो जाते हैं इस वजह से। ये सब्ज़ तेल का सीन होता है जैसे सब्ज़। इसका ETL ये है कि एक पौधे पर एक भी नज़र आ जाए तो इसको ये एक मौशी नुकसान की हद से ऊपर है, इसको स्प्रे करना चाहिए। थ्रिप्स 7 से 8 फ़ी पत्ता अगर आ जाए 20 पौधों में से 5 पर तब स्प्रे करना होता है। और वाइट फ्लाई 1 पत्ते पर 7-8 नज़र आ जाए तब भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे कम हो तो नुकसान की मौशी हद से वो नीचे हैं स्प्रे नहीं करनी, लेकिन ये इस खेत के अंदर ये नुकसान की मौशी हद से ऊपर चले गए हैं तो यहाँ पर हम स्प्रे करवा रहे हैं। इंशाल्लाह खुदा बेहतरी करेगा। नहीं नहीं फास्फोरिक एसिड देवण है, फास्फोरिक एसिड देव यूरिया हो ना फास्फोरिक एसिड है यूरिया ए रिएक्शन करे सी कपा रिएक्शन करे सी कि मक्खी ज्यादा लगे फिर सीधे लग सी ग्लूकोज पैदा थिन देना अभी तो यूरिया यूरिया लगी है फिर बाद ए होण तुसा भाई यूरिया छोड़ दियो वाला पानी को तो ले खड़े हो जाए तो तोरा जरा ना पानी कम कीते बे कपा दे अंदर ग्लूकोज पैदा थे मक्खी अटैक कर दे मिठास दो तो मक्खी पोनी यूरिया तो यो काम है यूरिया को स्किप करो खाली छोड़ो फास्फोरिक एसिड दो यूरिया रहा दो अगले पानी दे पल जिंक रे में नाल जिंक नाल ले दो ओ बेहतर है किलो 2 किलो ओ ठीक आधा किलो फिर भी घाली होवे भाई ये देखो ना सर कपास का जूस उगड़ तो गारंटी आ जाता कपास जूस उगड़ नहीं पड़े ये जीव तो रिकमेंडेशन कितनी फाना का पानी चाहिए ये कितनी लीटर रखे ने फास्फोरिक एसिड ये 36 लीटर दियो 36 लीटर पूरी करो चाहिए 15 में क्या है है तो थोड़ा 3 लीटर फी भी गाँव होना चाहिए डा तो ज़्यादा बेहतर है डा भी कहते हैं थी भी नहीं ओके है जेडी बच से बाकी उगनो तो DAP पा छोड़ो नहीं नहीं 5 दिन दी कहीं नहीं पंजा दिन दी कहीं नहीं अकमल कहीं मायन रथे ना यार इधर देख लो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल है मेरा अंदाजा यो है 1 महीना 40 दिन बेच बेच है यार डोडा कह नहीं तो ये देखना इस स्ट्रेस आई खड़ी है यार ये सफेद मक्खी पाई पई है ये होने नाल ब्लैक की खड़ी है ये जी एक और खेत में इसमें भी आपको दिखाते हैं कौन से इंसेक्ट हैं। ये आज 28 तारीख है 28 जून 2022 और आप देख रहे हैं इरफान भुट्टा डॉक्टर ज़रात। तो ये शायद आपको नज़र आ रहा हो ये माइट्स हैं और इस पर ज़्यादा चीज़ों का अटैक नहीं है इस क्रॉप पर। हाँ थ्रिप्स है ये देखें ये पत्ता देखें ये थ्रिप्स चांदी नुमा जो सतह बना देता है ना थ्रिप्स सारी की सारी और सब्ज़ तेला माइट्स और थ्रिप्स ये चीज़ें हैं। ये आपको मैं दिखाऊँ ये चांदी नुमा ये जो बनी हुई है सतह ये थ्रिप्स की वजह से है। इसका मतलब थ्रिप्स का शदीद अटैक यहाँ पर रहा है शायद बारिश की वजह से कुछ पीछे चला गया हो। लेकिन ये जो पत्ते की ये सारी देखें रगें ये सूजी हुई हैं ये सब्ज़ तेले का इफ़ेक्ट है। इसके मुंह से जो लुआब निकलता है ये उसकी वजह से सारी की सारी रगें सूज जाती हैं।
लेकिन सूजने का क्या मतलब है कि इनमें फोटोसिंथेसिस ट्रांसलोकेशन नहीं हो रही, वो रुक रहे हैं, बंद हो रहे हैं, सॉल्वेंट्स यहाँ पे रुक रहे हैं। ये इफ़ेक्ट किसका होता है? ये सबसील का इफ़ेक्ट होता है, जेसिड का। थ्रिप्स इस खेत में थ्रिप्स और जेसिड है। चलें जी, फार्मर को बता देते हैं।